हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी आवाज़ को सिंक्रोगनाइज करेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो में। तो सिंक्रोगनाइज क्या होती है? सिंक्रोगनाइज होती है जैसे मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं आवाज़ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, और साथ ही मैं एक आवाज़ अपने माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर है। मैं ये माइक अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है मैंने, ये वाला माइक मेरा मोबाइल से कनेक्ट है, और जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो इस वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी सेम आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है दो डिवाइस में। तो दो डिवाइस में आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है दो डिवाइस में, फिर उसको हम अपन सेपरेट मतलब मिला के उसको एडोबी प्रीमियर प्रो में अपनी जो मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड होती है आवाज़ उसको हटा देते हैं, क्योंकि जो हम कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं उसमें थोड़ी सी नॉइज़ होती है और चीप क्वालिटी रिकॉर्ड होती है आवाज़। तो इस वजह से हम अपनी आवाज़ दूसरे माइक में कोई अनदर गैजेट हो उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरीके से हम एडोबी प्रीमियर में इसको सिंक्रोगनाइज करेंगे, इसको मैच करेंगे अपनी आवाज़ को, तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी वीडियो को शूट करें अपने मोबाइल से या अपने कैमरे से, तो उसके सामने आप 1 2 3 स्टार्ट ये ज़रूर बोल दीजिएगा करें, क्योंकि जब भी आप सिंक्रोगनाइज करोगे तो आपको उसकी वेव फॉर्म जो शुरुआत की होती है वो पता चल जाएगी और आप आसानी से इसे सिंक्रोगनाइज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 स्टार्ट ही कहें, कुछ और भी कह सकते हैं जैसे शूट स्टार्ट, ऐसे मतलब कुछ अलग सा, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से रिकॉर्ड हो रही है हमारी आवाज़। तो चलते हैं अपने एडोबी प्रीमियर प्रो में इसको सिंक्रोगनाइज करने के लिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में अपनी वीडियो को इंपोर्ट करना है, साथ ही अपनी आवाज़ को भी। तो इधर की तरफ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड है और ये मेरी वीडियो है जो मैंने अभी अभी शूट की है, जो आप देख रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो है, एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एक वीडियो कर लूँगा क्योंकि मैंने कई सारे रीटेक लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस वाली वीडियो का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी रीनेम कर देना है अपनी वीडियो का नाम और वॉइस का नाम। जैसे मैंने यहाँ पर रख रखा है Video 1 Voice 1, तो आपको जल्दी पता हो जाएगा कि हमारी वॉइस कौन सी है, वीडियो कौन सी है। तो हमने ये कर लिया, अब सिंपली दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सीधा अपने प्रीमियर में इनको इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पर इम्पोर्ट। तो जैसे ये हो जाएंगे, अब ये दोनों सिलेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा किसी एक पर, तो ये अब एक सिलेक्ट है जिस पर हाईलाइट हो रही है, तो हमें दोनों सिलेक्ट करने हैं। सो आपको ये दोनों सिलेक्ट करनी है। अब जो मैं आपको तरीका बताने चाह रहा हूँ वो तीन तरीकों में से पहला तरीका है, मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा सिंक्रोगनाइज करने के लिए। तो ये सबसे पहला तरीका है। तो जब भी आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करोगे, दोनों को सिलेक्ट करनी है मैंने जो सी मुझे सिंक्रोगनाइज करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे इन पर एंड यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज क्लिप्स, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमारे पास हम क्लिक करेंगे ऐसा पैनल खुलकर आ जाएगा। अब इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं, मैं अभी यही रखूँगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, बस यहाँ पर लिखना है, टच करना है ऑडियो पर, ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना Track 1 इस पर क्लिक कर देना है। आप ये सेटिंग कर लीजिए, बस यही करनी है और कुछ नहीं करना है, और सिंपली ओके कर दीजिए। अब ये लोडिंग होगा, प्रोसेस होगा एंड ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन, ये तो हमारी दो पहले ही है और यहाँ पर हमारे एक न्यू वीडियो बनकर आई है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये वीडियो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मेरी येलो कलर की आ रही है, आप इससे मत घबराइएगा, मैंने ये सेटिंग कर रखी है। आपके पास ब्लू कलर की वीडियो आ रही होगी तो आप उसको आने दीजिएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, मैंने मतलब ऐसी ही है, मेरे ख़राब एरिया है, तो यहाँ से मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। इस अब जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी नॉइजिंग हो रही है, तो मैंने इस वजह से अपनी आवाज़ को अनदर मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। अब देखिए ये वाली आवाज़ में यहाँ से म्यूट कर दूंगा, ये वाला म्यूट जो बटन है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको चलाऊंगा, अब ये वाली जो मेरी आवाज़ है, ये वाली ये ग्रीन कलर की, ये मेरी दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुई हुई आवाज़ है, सिर्फ आवाज़ आवाज़, तो इस वजह से मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी आवाज़ को
सिंक्रोनाइज करेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो में, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आई है और इसमें बिल्कुल भी नॉइजिंग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी होगी तो हम उसको मिटा सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो में। तो ये तो पहला तरीका था, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट मार दूंगा, मैं क्योंकि मुझे आपको दूसरा तरीका बताना है, तो ये मैंने डिलीट मार दिया। एंड यहाँ पर हमारे पास दो हैं, इसको भी हम डिलीट मार देंगे। तो हमारे पास वही दो वीडियो है फिर से। अब हम क्या करेंगे कि हमें लेनी है यहाँ पर अपनी वीडियो, इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए अगर आपके पास थंबनेल नहीं आ रहा है तो आपने मेक श्योर ये वाला सिलेक्ट कर रखा है, मुझे लगता है आपने ये सिलेक्ट कर रखा होगा। तो इसका थंबनेल पर यहाँ पर देखने के लिए इस पर इस वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, तो इस पर क्लिक कर दिया हमने और ये हमारे पास वीडियो आ चुकी है और साथ ही इसकी आवाज़ भी। तो ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल, ये जो आवाज़ है ये हमारी जो वीडियो के साथ रिकॉर्ड हुई हुई आवाज़ है वो ये वाली है। तो ये येलो कलर की, आप इससे मत घबराइएगा क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर रखी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमारी जो आवाज़ है वो ये वाली है। तो यहाँ तक तो मैंने इसको बेकार शूट किया है इधर का पार्ट, तो मैं इसको डिलीट मार दूंगा। ये मैंने सेलेक्ट करा एंड यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो ये जो मेरी आवाज़ है मैं आपको सुना कर दिखाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। इस तो देख सकते हैं आप इसमें भी नॉइज़ है, क्यों सेम ही वीडियो है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब हम अपनी वीडियो को लाते हैं यहाँ पर, ये सॉरी वॉइस को लाते हैं यहाँ पर, ये हमारी वॉइस है, इसको हम ड्रैग करते हैं अपने टाइम लाइन पर। तो इसको भी हमें उतना ही काटना पड़ेगा जितना हमें इसको काटा है। तो यहाँ तक मेरा ये वॉइस भी ख़राब है, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इन सबको उठाकर यहाँ पर रख देना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पर जाएंगे हम सिंक ऑर्गेनाइज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें फिर से ये डायलॉग पूछेगा, सेम डायलॉग जो हमने अभी यूज़ किया है। आपको ये करना है, ऑडियो बस चेक लगा देना है एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है ट्रैक वन, ओके कर देना है एंड यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम सिंक ऑर्गेनाइज करेगा। एंड अगर आप अपनी आवाज़ को आप सुनोगे हेलो गाइस, वेलकम बैक माय। तो ये तो मेरी अपनी मोबाइल की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है, इसको मैं म्यूट कर दूंगा यहाँ पर, ये वाला चैनल है इसको मैंने म्यूट कर दी। अब जो आप सुनोगे वो मेरी माइक वाली आवाज़ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी आवाज को सिंक्रोनाइज करेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी नॉइजिंग नहीं है। तो ये था दूसरा तरीका। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो इन सबको हम डिलीट मारेंगे फिर से क्योंकि मैं आपको तरीका बताऊंगा और इसको भी हम डिलीट मारेंगे। तो हमारे पास वही सेम वीडियो है दोनों फिर से। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इस वीडियो को फिर से राइट क्लिक करना है, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, इस पर क्लिक करना है। फिर से वही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम आएंगे जहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है। तो मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा एंड यहाँ से डिलीट पार्ट। तो यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट होती है, हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। ठीक है। अब इसको मैं जूम करूँगा एंड यहाँ पर मैं अपनी आवाज़ को टाइम लाइन पर रख दूंगा, यहाँ पर मैंने रख दिया। अब इसको भी हमें उतनी ही काटनी पड़ेगी जहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है। तो यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट होती है, इसको मैं डिलीट मार दूंगा क्योंकि जो मैंने अभी डिलीट मारा है वो बेकार पार्ट है, इसको मैं डिलीट ही मारता। तो यहाँ से हमारी आवाज़ और वीडियो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इस आवाज़ को हमें इस वेव फॉर्म से मिलाना है। तो आपको सबसे पहले अपनी आवाज़ को जूम कर लेना है फुल, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो हमारे वेव जो हमारी वेव है ऑडियो की वो हमें साफ साफ दिख रही है। अब हमें इनको क्या करना है, सिर्फ मिलाना है इस तरीके से। तो ये हमने मिला दी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इधर के ले जाएंगे, या परफेक्ट, थोड़ा सा और, या अब अगर आप आवाज़ सुनोगे, मैं इसको कम कर देता हूँ फिर से, एंड ये सुनोगे आप, हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। ये तो मेरी इसकी मोबाइल की आवाज़ है। तो इसको मैं म्यूट कर दूंगा यहाँ से। अब जो आप सुनोगे वो मेरी सिर्फ मेरी सिर्फ माइक वाली आवाज़ है, ये वाली मेरी माइक वाली आवाज़ है।
तो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी आवाज को सिंक्रोनाइज करेंगे। हेलो इंट्रो में तो सिंक्रोनाइज क्या होती है? सिंक्रोनाइज होती है जैसे मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हमारी सिंक्रोनाइज हो चुकी है। आई होप गाइस आपको इस वीडियो में प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि हम अपनी आवाज को सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं, वो भी तीन तरीकों से। तीन तरीकों के साथ मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, कोई मतलब नहीं बताएगा इतनी अच्छी तरीके से। सो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, टाइम दिया है, तो आप भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ करिए मेरे लिए। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं हर वक्त तो यूट्यूब पर ही रहता हूँ, तो बेझिझक यूट्यूब पर कमेंट करिए, चैनल पर कमेंट करिए, एंड मैं आपको हाथों हाथ जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।